हाय दोस्तों, मैं हूँ रनीश मदन, आपका होस्ट और दोस्त पिक्स कंपोज से। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम एक कप के अंदर एक वाटरफॉल को फिट कर सकते हैं। तो मेरे पास दो इमेजेस हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो बेसिकली ये मैंने दो इमेजेस से क्रिएट करा है। तो सबसे पहले हम इमेज को यहाँ पे ओपन करते हैं। डाउनलोड्स में मेरी ये दोनों इमेजेस हैं, एक तो ये वाली है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं ये कॉफ़ी है, इसके बीच में ब्लैक कॉफ़ी, जिसको हम रिप्लेस करेंगे वाटरफॉल से। तो मैं कंट्रोल प्लस के साथ इसको जूम करता हूँ और हम यहाँ पे अपना फोकस बनाते हैं। बट उससे पहले मैं एक और इमेज को इंपोर्ट करूँगा जो हमने यहाँ पे प्लेस करनी है। दोस्तों ये हमारी इमेज है जो कि वाटरफॉल वाली है, तो मैं इसको ब्रिंग करता हूँ यहाँ पे इस तरह से। इसकी ओपेसिटी डाउन करूँगा सो दैट कि मेरे को पीछे का एरिया दिख सके, ताकि मेरे को ये अंदाज़ा हो सके कि मैं ये कहाँ पर लगाना चाहूँगा, इसको किस तरह से कहाँ पे फिट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी ओरिजिनल एग्जांपल में आप देखेंगे तो हमने इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ रखी है, जैसे ये यहाँ से वाटरफॉल चल रहा हो। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, इंपोर्ट करता हूँ, ये हमारी इमेज इंपोर्ट हो गई है। उसके बाद मैं इसको रोटेट करूँगा और अच्छे से इसकी डायरेक्शंस को मैच करने के लिए और पोजीशन को मैच करने के लिए मैं ओपेसिटी डाउन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज सही जगह से सही पोजीशन पे पहुंच चुकी है। थोड़ा सा मैं और रैप यूज़ करता हूँ ताकि मैं इसको और बढ़िया तरीके से फिट कर सकूं, इस तरह से थोड़ा सा इस तरफ। ग्रेट, और थोड़ा सा इस एंकर को इस तरह। तो मेरे हिसाब से हमारी इमेज सेट हो चुकी है। मैं इसको कमिट करता हूँ चेंजेस को और अब मैं इसकी ओपेसिटी और डाउन करके यहाँ पर एक लेयर मास्क बनाऊँगा इस लेयर पे, और इसके बीच में हम ब्लैक कलर को फिल करेंगे। तो हमारा ब्लैक कलर फिल हो चुका है लेयर मास्क में। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर ब्लैक कलर फिल होगा हमारे लेयर मास्क में तो हमें इस लेयर का कोई भी पार्ट नज़र नहीं आएगा, सिर्फ हम उस पार्ट को देख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ग्रे है। ग्रे कलर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगा उसके कलर के हिसाब से, और वाइट कलर बिल्कुल ओपेक दिखाएगा। तो हम यहाँ पे वाइट कलर से पेंट करेंगे ब्रश टूल के साथ। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर मास्क को सिलेक्ट करा हुआ है और मेरा ब्रश काफ़ी सॉफ्ट है, यहाँ से आप इसको सॉफ्ट बना सकते हैं। अगर ये 0% है तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है। अब मैं पेंट करना शुरू करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारा वाटर शो होना शुरू हो गया है यहाँ पे। मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ ताकि हम देख सकें कि किस तरह का ये लुक क्रिएट हो रही है यहाँ पे। और अब मैं एक्सप्रेस करूँगा ताकि हमारे कलर्स यहाँ पे फ्लिप हो जाएंगे। अब ब्लैक कलर के साथ पेंट करना शुरू करूँगा ब्लेंड करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारा कलर काफ़ी ब्लेंड हो रहा है और अभी तक हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल गया है। इसके ऊपर मैं एक ग्रेडिएंट मैप बनाऊंगा जो कि सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। इससे हम इसके कलर्स को मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा फेक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इस तरह से। और यहाँ पे भी हम
आप देख सकते हैं कि हमारा वाटर का कलर काफ़ी अच्छा बन गया है। मैं इसे ओपेसिटी थोड़ी रिड्यूस कर सकता हूँ ताकि इसका इफ़ेक्ट कम हो। और जो इसका मास्क है, लेयर मास्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर होना चाहिए, उस जगह के ऊपर भी हमारा ब्लू कलर आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैक के साथ पेंट करूँगा, ब्लैक कलर फोरग्राउंड में रख के इस तरह से। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक बन चुकी है इसकी। अब हम इसे और रिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए मैं एक लेयर लेता हूँ नई और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ पे मेरा मोड होना चाहिए सैंपल मोड, करंट एंड बिलो, ग्रेट। इसके साथ मैं सैंपल ले लूँगा, ऑल्ट के साथ मैं सैंपल ले सकता हूँ। तो मैंने सैंपल ले लिया है, यहाँ से मैं थोड़ा सा सॉफ्टनेस पे रखूँगा इस ब्रश को भी, थोड़ा सा हम इसका एरिया बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम पेंट करना शुरू करते हैं इस तरह से। फिर से एक बारी हम यहाँ पे सैंपल लेंगे ऑल्ट के साथ और इस तरह से धीरे धीरे पेंट करते जाएंगे। आप थोड़ी सी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं इफ़ेक्ट को और अच्छा बनाने के लिए। मैं इसकी एक कॉपी लेता हूं और कंट्रोल टी प्रेस करता हूं। मैं यहाँ पे रैपिंग ऑप्शन ऑन करता हूँ और इस तरह से इसको रैप करवाता हूँ। हमने बहुत अच्छे से रैप करवा लिया है, इसकी ओपेसिटी और कम करते हैं ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम और क्रिएट हो सके। इसके ऊपर मैं कर्व्स एडजस्टमेंट डालूंगा जिससे कि थोड़ी सी डेप्थ निकाल सकूं। अभी ये पूरे पे अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए मैं क्लिपिंग मास्क ऑन करूंगा ताकि ये सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है इसके साथ। तो हमने काफ़ी अच्छे से इसको रिफ़ाइन कर लिया है। आप इसे और अच्छे से रिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप पेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और नई लेयर लेता हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने सैंपल ले लिया है और यहाँ पर पेंट करना शुरू करूँगा इस तरह से। अब एक सैंपल मैंने यहाँ से लिया है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट बन गया है। मैं इनकी ओपेसिटी के साथ प्ले कर सकता हूँ यहाँ पर भी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन कर दूँगा ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पानी का काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट मिल गया है इससे। तो ये था आज का ट्रिक, आप इसे और रिफ़ाइन करके और बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी और टिप्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पे मिलती रहे। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।